हाँ जी जनाब, कैसे हो? सब बढ़िया? राजी खुशी? सब ठीक है? बढ़िया। आ जाओ, बस देखा जाए तो अपने नए सिलेबस के अनुसार जो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है उसके अनुसार तो अपना क्वेश्चन है वो टाटा बाय बाय गया। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन है, करवा देते हैं, क्या होता है फ्यूचर के अंदर फिर से आ जाए। ठीक है, भरोसा थोड़ी है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 16 अपन कर लेते हैं। वैसे 2023 के अंदर ये वीडियो है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन अपना कट हो चुका है जी, अपना अकॉर्डिंग टू HBSC हरियाणा बोर्ड है उसके अनुसार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे गिवन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जो कुछ भी है सब कुछ। ठीक है, देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसके टॉप ऑफ द टावर का, फ्रॉम टू पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, कि अपना टावर एक, ठीक है, इसका एंगल एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट है, एक है 4 मीटर की डिस्टेंस पे और एक है 9 मीटर की डिस्टेंस पे। यही बात कह रखी इसने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, फ्रॉम 2 पॉइंट से, कोई 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट हो गया ये, 1 पॉइंट हो गया ये, एट डिस्टेंस ऑफ है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम लाइन, सेम लाइन में है विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना उन दोनों एंगल का जोड़ कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो तरह एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे आंसर कितना है, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ठीक है। और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको ऐड करने पे, जिनको जोड़ने पे हमारा आंसर कितना है, 180 डिग्री। अब हमारी बात किसकी हो रही है, वो हो रही है जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो यानी इस एंगल को और इस एंगल को मैं ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। समझ में आ गया, अब एक चीज समझो, चलो बात देखेंगे। पर देखो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है ना, ठीक है, वो कितनी है, 6 मीटर। यहां पर नाम दे दिए इनको ए बी सी और डी। और एक बात देखो, हमें इसके अंदर ना कुछ एंगल दिया ना कुछ बात, एंगल के तौर पे समझ सिर्फ एक बात दी है, क्या बात दी है, वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जिनका जोड़ कितना बनेगा, 90 बनेगा, यानी इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ कितना बनेगा, 90 बनेगा जी। ठीक है जी, हाइट ऑफ टावर मान ली हमने एच मीटर, 6 मीटर निकाल लिया अपने को ये, ठीक है। तो अगर दोनों का जोड़ 90 है, दोनों का जोड़ 90 है, अगर मान लेते हैं ये एंगल 30 होता, ये एंगल कितना होता, 30 होता, तो ये कितना बन जाता अपना, 90 में से 30 गए 60 बन जाता। अगर ये एंगल अपना मान लेते 40 होता तो ये कितना बन जाता, 50 बन जाता। यही बात है, नॉर्मल सी बात है। अब मेरे को नहीं पता ये एंगल कितने का है, ठीक है, तो इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, थीटा, क्या मान लिया, थीटा, मर रहे थीटा, नास पिटिया, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा अपना, 90 माइनस थीटा का बन जाएगा, पक्की बात है, बस यह बात समझ में आ गई तो अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखेंगे कि लाइक ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ए बी के है टावर की हाइट है एंड वन एंगल थीटा अनदर इज 90 माइनस थीटा। देखो लिखते हैं, हाँ जी लिख दिया कि ए बी इज हाइट ऑफ टावर, अपन क्या मान ली एच मीटर एंड वन एंगल इज क्या मान लिया अपने थीटा एंड अनदर इज 90 माइनस थीटा। जो काम आप करते आए हैं वही करते हैं, दो ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी और ए बी डी, दोनों को लेते हैं जनाब, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी है बिल्कुल है जी, वही बात है, ए बी अपने को निकालना है बिल्कुल निकालना है जी, नीचे क्या है बी सी है बिल्कुल है जी, बी सी है, तो ए बी क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है 10 है। एंगल कितना है जी थीटा, हमें नहीं पता कितना है, ए बी कितना है एच, बी सी की वैल्यू कितनी है 4, इधर क्या है 10 थीटा, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं इतना ही। अब लेते हैं इन ट्रायंगल दूसरी कौन सी, ए बी और डी, ए बी और डी, वही बात है ए बी निकालना है, नीचे क्या है
नीचे बन जाएगा जी बी डी, कौन सी दिशा आएगी, ठीक है, किसी ब्रांच की प्रमोशन नहीं है भाई, बस सिंपल सी बात है, मारला इलाका में नहीं पीवा दिखाएगी। तो अपना ये बन जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो के बन जाए परपेंडिकुलर बेस होगा क्या 10, और यहाँ पे एंगल कितने का है 90 माइनस थीटा। अब AB कितना, H, BD कितना है, BD है जी 9, अब 10 माइनस 10 है 90 माइनस थीटा। वैसे तो अपनी ये एक्सरसाइज जो है 8.3 है, ठीक है, इसके अंदर चीजें हैं अपनी ये, लेकिन जो अपना नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो 2023 के अंदर नया सिलेबस है उसके अंदर जो अपनी ये चीजें हैं ये कट हो चुकी है, इसलिए अपने क्वेश्चन भी कट हो रहे हैं, ठीक है। जिसने पुराना सिलेबस है जिसने वो करना है तो उसने बताओ 90 माइनस थीटा है ना, जो 10 है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, कोट थीटा के अंदर, किसके अंदर, कोट थीटा के अंदर, क्यों, क्योंकि 10 90 माइनस ए इक्वल होता है किसके, कोट ए के, ठीक है, यही बात यहां पे आ गई। अब देखो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर अपनी कौन सी बन गई, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो h बाय 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा h बाय 9 से, इधर वाला इससे मल्टीप्लाई, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 10 थीटा मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, cot थीटा, h की h से मल्टीप्लाई क्या बन गया h स्क्वायर, 9 के 4 से 36, 10 थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा इसके इक्वल होता है 1 बाय 10 थीटा के, 10 से 10 कट हुआ, हमारे पास बचा h स्क्वायर बाय में 36 इज इक्वल टू में 1, डिवाइड में है उस साइड जाए क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36, एच की वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस 6, जो हाइट है वो माइनस में हो नहीं सकती है ना, तो इसलिए सिंपल क्या रहेगी अपनी प्लस के 6 मीटर रहेगी, हाइट 6 मीटर निकालनी थी प्रूव करना था, ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। हाँ जी ऑफिशियली 2023 के जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहले हो चुका था, लेकिन अब जो है प्रॉपरली अपना सिलेबस सॉरी चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में जो भी दिक्कत परेशानी आई हो, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आई हो, कमेंट का दरबार खुला है, अपनी टंग लगा दियो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, अपना चैनल घर का चैनल है यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ इसमें भी, ठीक है, मिलेंगे आप अगली वीडियो में, अगली वीडियो यानी चैप्टर नंबर 10 वीडियो यही कहीं आ गई होगी, बाकी मैंने हर चैप्टर की वीडियो अपने 9 चैप्टर हो चुके हैं, हर एक का जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, वीडियो देखना चाहो तो देख लियो कर लियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।